चले दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एलजेब्रिक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की बात करेंगे और महत्वपूर्ण ट्रिक की बात करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में करते हैं, उन सारी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आसान तरीका द्वारा। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर चार है तो दिखाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में करता है, बच्चे को समझ में नहीं आती, गलत आंसर मार्कर चले आते हैं। तो एकदम सिंपल आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, एकदम सिंपल सा, एकदम आप सेकेंडों में इसका जवाब देंगे। देखो बुआ, जब आपका ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपका कौन कौन सा होगा, इस पर जरा सब फोकस कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दो, एक बेसिक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब मान लो कि यहाँ भी प्लस और जब यहाँ भी प्लस, जब ये भी प्लस और जब ये भी प्लस, तो यहाँ पर साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आपका प्लस इधर भी हो और आपका जब प्लस इधर भी हो, तो उस कंडीशन में उसके बीच आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अब माइनस कहाँ लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब दोनों चिन्ह प्लस प्लस होंगे, इधर भी प्लस, तो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे जब प्लस प्लस होंगे तो माइनस लगाना है, और वही जब माइनस इधर भी हो, जब माइनस इधर भी हो, जब यहाँ भी माइनस, जब यहाँ भी माइनस, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपको प्लस लगाने होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यदि एक और माइनस हो और दूसरी ओर प्लस हो, ठीक है ना, इधर आपका माइनस हो इधर प्लस हो, तो उस कंडीशन में भी आपको प्लस ही लगाना पड़ता है। या ये मान लीजिए कि यहाँ प्लस है, ठीक है ना, इस साइड प्लस है और इस साइड आपका माइनस है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या लगाने पड़ते हैं, प्लस ही लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये बातें समझिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये नहीं समझ में आएगी ना तो आप नहीं बना पाएंगे। जब सेम प्लस प्लस कंडीशन है, प्लस प्लस होंगे ना दोनों का, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, तो माइनस लगाना है। और प्लस प्लस को छोड़कर और सब जो चीजें आएंगे उसमें प्लस प्लस लगाना है। जैसे माइनस माइनस में प्लस लगाना है, माइनस प्लस में प्लस लगाना है, प्लस माइनस में माइनस लगाना है, आपको प्लस लगाना है, ठीक है ना। तो इन तीन कंडीशन में प्लस और एक कंडीशन में सिर्फ आपको माइनस लगाने होते हैं। जैसे चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के एकदम सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। x प्लस वन बटा एक्स बराबर चार दिया तो इतना का मान पूछ रहा है, ऐसा तीन क्वेश्चन में लिखा हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पर x का पावर देखना है, x का पावर दो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मान दिया है ये चार, इस चार का पावर दो है, तो चार का स्क्वायर आपको कर देना है। चार का स्क्वायर क्या करना है, यहाँ वैल्यू देखना है चार है, और ये किस रूप में है, तो एक्स के स्क्वायर रूप में है, तो क्या करेंगे, चार का स्क्वायर। अब सोचो यहाँ पर तीन होता है, तीन का स्क्वायर आठ होता तो आठ का स्क्वायर। अब फिर घटाना क्या है तो देखना ये किस रूप में, कौन सा पावर है, तो पावर दो के रूप में आता है, यहाँ से दो घटा देंगे, क्या घटा देंगे, दो घटा देंगे। चलिए अब घटा क्यों रहे बुआ, क्योंकि इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, आज जब प्लस प्लस होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। इसी कारण से इसमें से क्या घटाएंगे, दो, दो क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स का पावर दिख रहा है, तो पावर दो था तो चार का स्क्वायर कर दिए, पावर यहाँ भी दो है तो क्या करेंगे, दो घटा देंगे। अब ध्यान दीजिए, चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सोलह, आ घटा में दो कितना आ जाएगा, सोलह में से दो घटेगा हो जाएगा चौदह। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। समझ में आ रही है ना, नहीं समझ में आ रही, अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। देखिए एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर तीन दिया है तो दिखाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। तो मैंने बता दिया था कि पहले चिन्ह देखना है, इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, यानी प्लस प्लस है, तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, माइनस लगाना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान देना, ये जो वैल्यू दिया है इस पर आपको क्रिया करना पड़ेगा। वैल्यू तीन है, आप पावर दो के रूप में है, तो यहाँ पर तीन का स्क्वायर, आ घटा क्या देंगे, घटा क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पर चीन इसका भी प्लस है तो घटा देंगे। आ यहाँ पर एक्स के, एक्स का पावर दो है तो दो घटा देंगे, तीन का स्क्वायर नौ, आ घटा है दो, नौ में से दो घटेगा कितना आ जाएगा, सात हो जाएगा। आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि वैल्यू तीन के रूप में आपका, इसका वैल्यू तीन दिया तो तीन का स्क्वायर करना है, क्योंकि आपका एक्स का घट दो है तो दो का तीन, मतलब एक्स का घट दो है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। और यहीं पर तीन होता ना, तीन होता है तो यहाँ पर तीन का क्यों करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हट के नियम लगाएंगे। तो ये पावर दो वाला नियम है कि जब आपका एक्स प्लस वन बटा एक्स पावर तीन दिया हो और एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना हो, तब ये सूत्र हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है ना। तो समझिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं, सेम क्वेश्चन है वैसा है, यहाँ पर फोकस करिए। यहाँ बोला है कि x माइनस वन बटा एक्स बराबर चार दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ चिन्ह माइनस और यहाँ चिन्ह प्लस है, तो माइनस प्लस है तो उसमें जोड़ना पड़ता है। तो इस कंडीशन में फोकस करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का आपको वैल्यू निकाल देना है। तो जब इसका वैल्यू निकालना है तो मान क्या दिया, मान आपका चार दिया, तो चार दिया तो चार का स्क्वायर करें, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स का पावर दो है तो चार का पावर, यहाँ पर वैल्यू चार है तो चार का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि
इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो माइनस प्लस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ेंगे क्या आते हैं, यहाँ पर एक्स का घट अधिकतम दो है तो दो जोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए, चार का स्क्वायर कितना होगा, सोलह, प्लस कितना है दो है, तो सोलह दो कितना हो जाएगा आपका, अठारह हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आपका अठारह हो गया, आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इस कंडीशन पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है। तो एक्स का अधिकतम दो घाट वाला वैल्यू आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है एक बार और समझिए ध्यान से, कि यहाँ जो वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर करना है। जब ये पावर दो है तो पावर दो करेंगे जो वैल्यू दिया, चार का स्क्वायर, और उसके बाद चिन्ह देखना है इसका प्लस प्लस है तो घटा देंगे, और उसके बाद प्लस प्लस को छोड़कर और सब में क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो घटाएंगे क्या, जो पावर है उसी को घटा देंगे, पावर दो है तो चार का स्क्वायर घटा दो, सोलह घटा दो कितना गया, आंसर चौदह आ गया, ठीक है ना। वन टू थ्री, इस प्रकार आपका क्या हो गया, सल्व हो गया। अब देखिए ये क्या था, आपका x का पावर दो वाला था ये तरीका, लेकिन x का पावर तीन वाला है, x का पावर चार वाला है, x का पावर पांच वाला ये तरीका थोड़ा सा अलग चलेगा। तो अब x का पावर तीन वाला क्वेश्चन देगा तो कैसे सल्व करेंगे, मान लीजिए यही क्वेश्चन है कि x प्लस वन बटा x पावर दो दे दिया, तो x का क्यूब प्लस वन बटा x का क्यूब बोल रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, वैसे ही वैल्यू देखना है आपको। तो वैल्यू दो है तो दो के रूप में चलेंगे, यहाँ पावर तीन है तो दो का क्यू कर देंगे, क्या करेंगे, दो का क्यू करेंगे। और उसके बाद हाई पावर जो है पावर का इसका आपसी गुना कर देंगे। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो वैल्यू दो था, ये एक्स का पावर तीन था तो दो का क्या कर दिए, पावर तीन कर दिए। उसके बाद चिन्ह यहाँ पर लगाना, प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, इसके लिए देखेंगे इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस प्लस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। प्लस प्लस में क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं, ठीक है ना। प्लस प्लस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। उसके बाद घटाना क्या है तो बता दिए थे, यहाँ पर जो पावर तीन है उसका गुना वैल्यू से करना, तीन का दो से गुना कर देंगे छः, तब क्रिया कर दो का क्यों हो जाएगा आठ, घटावे छः, आठ में से छः घट जाएगा कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बुआ, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया है जिस पावर के रूप में है, तीन वाले घाट, तीन घाट वाले की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दो है तो पावर तीन है, दो का पावर तीन कर देंगे, मतलब वैल्यू दो है, और यहाँ एक्स का जो भी पावर है तीन के रूप में है तो दो का तीन कर दे, मान लो यहाँ पर चार होता है, चार का पावर तीन करते, आठ होता तो आठ का पावर तीन करते, जो वैल्यू दिया रहेगा वही। और ये चिन्ह पर फोकस करना, जब प्लस प्लस होगा तो घटाना है, और जब और कोई चिन्ह होगा तो उस कंडीशन में आपको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो दो का क्यू, और उसके बाद घटाएंगे क्या, मतलब यहाँ चिन्ह चिन्ह प्लस प्लस था तो घटाना है, क्या घटाएंगे, तो यहाँ पर जो पावर है उसका गुना वैल्यू से करेंगे, तीन का दो से करेंगे छः, घट जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से चारों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए इसको और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। देखिए पाँच नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक्स माइनस वन बटे एक्स बराबर पाँच, एक्स माइनस वन बटे एक्स बराबर पाँच, तो दिखाना है कि एक्स का क्यू घटा वन बटा एक्स का क्यू का मान क्या होगा। तो अभी मैं बता दिया था कि जब घाट तीन वाला होगा तो उसमें वैल्यू आपको कैसे निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालना है, सिंपल सा तरीका है, बस यहाँ पर पाँच है तो पाँच को उठाएंगे, पावर तीन है यहाँ पर एक्स का तो पाँच का पावर लिख देंगे तीन, और चिन्ह देखना है इसका चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस। जब दोनों चिन्ह माइनस माइनस होते हैं तो बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको प्लस उठा देना है, क्या उठाना है, प्लस उठाना है। अब फिर यहाँ जो पावर है उसका वैल्यू से गुना कर देना है, तो तीन का पाँच से गुना कर देंगे पंद्रह, ठीक है ना। तो पाँच का क्यूब एक सौ पच्चीस और प्लस पंद्रह ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, एक सौ चालीस, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो इस तरह से पावर तीन वाले का आपको हल करना है, ठीक है। अब देखिए पावर चार वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग तीन चार एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अब देखो पावर तीन और पावर चार वाले को कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही करना है। पहली बात है यहाँ पर एक्स का पावर चार है तो इसको इसका फैक्टर कर देना है, चार का फैक्टर कर देना है। तो चार का जो फैक्टर होगा आपका होगा दो गुना दो, यही ना फैक्टर होगा चार का, चार का जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, दो गुना दो के रूप में आएगा। तो यहाँ पर एक एक का ब्रेक करेंगे, पहले दो का ब्रेक करेंगे फिर दो का ब्रेक करेंगे, ऐसे आपको क्रिया कर देना, ठीक है ना। तो दो दो का आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, यहाँ पर समझदारी से हल करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स का वैल्यू तीन है तो यहाँ पर पहला वैल्यू उठाएंगे दो, तो तीन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर चिन्ह प्लस और प्लस, प्लस प्लस में क्या करना है, घटा देना है। तो आप दो वैल्यू उठाए हैं, पावर दो उठाए हैं तो दो ही घटाना पड़ेगा, तो तीन का स्क्वायर नौ और घटा दो प्रभाव कितना आ गया, सात आ गया। तो ये जो सात आ गया इसी का प्रयोग करना आपको, तो एक पावर का काम क्लियर हो गया, दूसरे पावर का काम करते हैं, दूसरा पावर भी क्या है, दो है, तो ये जो वैल्यू सात आ गया इसी का स्क्वायर करना है, सात का स्क्वायर, और ये चिन्ह प्लस प्लस है तो घटा देंगे, और पावर दो का यूज किया तो दो घटा देंगे, तो सात का स्क्वायर उनचास और घटा हुए दो अब बराबर कितना हो गया, सैंतालीस। यानी आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है ना। तो चार घाट वाले में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो चार घाट वाला उसको ब्रेक कर देना पड़ेगा दो गुना दो, ठीक है ना। और जो वैल्यू दिया है वहाँ पर एक एक पावर का क्रिया करना है, दो है तो तीन का पावर क्या करना है, दो, और पावर दो का यूज किया तो दो घटा देंगे, घटा इसलिए रहे क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, तो तीन का स्क्वायर में से दो घटाएंगे आपका सात बचेगा, सात आ गया तो इसका दूसरे पावर के लिए यूज करना है, तो सात का स्क्वायर, पावर दो यूज किया तो दो घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा सैंतालीस, ऐसे बनाना है। एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर,
आपका क्वेश्चन है अगला कि यदि x प्लस वन बटा x बराबर चार है तो x पर पावर फोर और प्लस वन बटा x पर पावर फोर का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पावर चार है इसको ब्रेक कर देना है, दो गुना दो के रूप में ब्रेक कर देना है, ठीक है। अब जो वैल्यू दिया है उसका प्रयोग करेंगे, जो वैल्यू दिया है चार दिया तो एक पावर का यूज करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा चार का स्क्वायर, और दो पावर आप दो यूज कर रहे हैं तो दो घटा ना देंगे, वैल्यू चार है और पावर दो का यूज कर रहे हैं, चार का स्क्वायर पावर दो है तो दो को घटा देंगे तो चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा चार का स्क्वायर सोलह होता है, घटाओ कितना हो गया दो, तो सोलह में से दो घटेगा चौदह आ गया। अभी जो चौदह आ गया इसका भी तो स्क्वायर है, एक पावर का काम के लिए और दूसरा पावर दो है तो इसके लिए यूज करेंगे, चौदह का स्क्वायर घटाओ पावर दो यूज किया तो दो को घटा देंगे, चौदह का स्क्वायर एक सौ छियानवे रहा घटाओ तो कितना आ जाएगा एक सौ बानवे। तो यहाँ पर दोनों मतलब पावर का यूज करना, पहले पावर का इस वैल्यू के लिए, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर घटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, प्लस प्लस में वो क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो चौदह आ गया, चौदह का फिर दूसरे पावर के लिए यूज कर दे, चार चौदह का स्क्वायर घटाओ कितना हो गया दो, दो क्यों घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पावर दो बचा है, ठीक है ना। तो चौदह का स्क्वायर एक सौ छियानवे, दो का स्क्वायर कितना होगा आपका दो हजारों का तो उतरेगा, दो जो का तो उतरेगा एक सौ छियानवे से दो घटेंगे एक सौ बानवे, आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आठ नंबर, आठ नंबर क्वेश्चन है कि x माइनस वन बटा एक्स बराबर पाँच है तो दिखाना है कि x पर पावर फोर अब माइनस वन बटा एक्स पर पावर फोर का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ वैल्यू पाँच के रूप में, यहाँ पर जो फैक्टर होगा चार का वो क्या होगा दो गुना दो होगा, तो एक एक का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू पाँच है तो पहले पाँच उठाइए, तो पाँच के लिए पहला पावर यूज करेंगे पाँच का स्क्वायर और साथ में चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह माइनस है, ध्यान देंगे तो इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह माइनस है तो क्या यूज करेंगे हम लोग प्लस यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग प्लस लिख देंगे, क्या लिखेंगे प्लस लिख देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है प्लस लिख दिए तो यहाँ पर पावर दो का यूज किया तो दो यहाँ पर जोड़ देंगे, तो पाँच का स्क्वायर पच्चीस और घटावे कितना हो जाएगा, पाँच का स्क्वायर पच्चीस और घटावे घटाओ नहीं जोड़ आपका दो हो जाएगा, तो पच्चीस और दो कितना हो जाएगा आपका सत्ताईस हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जो सत्ताईस आ गया अगले के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे सत्ताईस का स्क्वायर दोनों का चिन्ह माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस क्या करेंगे दूसरे पॉइंट यूज करेंगे तो दो लिखेंगे, तो सत्ताईस का स्क्वायर आप निकाल दीजिए, तो सत्ताईस का स्क्वायर निकाल देंगे तो सत्ताईस गुना सत्ताईस सत सत्तर उनचास, चार दो सत्तर चौदह चार अठारह, सात दुना चौदह और दो दुनी चार एक पाँच, ठीक है ना। नौ आठ चार बारह पाँच छः एक सात, सात सौ आपका उनतीस होगा, ठीक है ना। तो सात सौ उनतीस अब प्लस दो है तो कितना आ जाएगा सात सौ इकतीस। इसमें ऑप्शन देखिए, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन कोई टच नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई ऑप्शन ये आंसर वाला ला देते हैं सात सौ इकतीस ला देते हैं, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखो समझाने के लिए तरह तरह का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना। एक मतलब क्वेश्चनों में तरह तरह का एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे आपको बनाना है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सात सौ इकतीस आया तो आपका ऑप्शन टच कर जाएगा डी टच कर जाएगा। तो याद रखना कि बेसिक तरीका यही होता है, जब एक्स का पावर चार रहेगा तो उसको ब्रेक कर देना दो दो के रूप में, दो के लिए पहला यूज करेंगे जो आएगा उसको दो के लिए यूज करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। और ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि प्लस प्लस होगा तो माइनस, माइनस माइनस होगा तो प्लस, माइनस प्लस होगा तो प्लस, और प्लस माइनस होगा तो भी प्लस लगानी है, ठीक है ना। तो पावर चार वाला समझ गए। अब देखते जब पावर पांच होगा तब कैसे बनाएंगे। अब देखिए पांच घाट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि x प्लस वन बटा एक्स पावर तीन है तो आपको निकालना है कि x पर पावर फाइव और प्लस वन बटा एक्स पर पावर फाइव का आपको मान निकाल देना है। कैसे निकालना, आपके पास चार ऑप्शन भी है। देखो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब पावर फाइव रहेगा ना तो इसको दो और तीन के रूप में हम लोग इसके पावर को ब्रेक कर देंगे। ये जो पावर है इसको दो और प्लस तीन के रूप में आपको क्या करना है ब्रेक कर देना है। बस यहाँ भी वैसे ही करेंगे दो, और जब भी पावर फाइव के रूप में आएगा तो दो और तीन के रूप में उसको क्या करना है सिंपली ब्रेक कर देना है। ये लेकर आपको चलना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं ये सब करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना। तीन है, अब पहले का दो है तो दो का यूज करेंगे, तो आप लिख देंगे तीन का स्क्वायर। अब चिन्ह देखो प्लस प्लस है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें घटाना पड़ेगा, मतलब जब प्लस प्लस है तो अभी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही दिया हूँ कि उस समय क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान से जरा सा फोकस करिए, तो यहाँ पर पावर दो का मैं यूज कर रहा हूँ तो तीन है तो तीन का स्क्वायर आ घट जाएगा, इसलिए घट रहा है क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है। अब पावर दो का यूज कर रहे हैं तो दो तो आपका घट जाएगा ना, जो कहते हो तो तीन का स्क्वायर कितना होगा नौ आ घटावे दो, तो नौ में से दो घटा लेंगे वैल्यू कितना आ जाएगा आपका सेवन आ जाएगा, ठीक है ना। इसको समीकरण वन आप लेट कर सकते हैं। अब देखिए अब पावर तीन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर तीन है तो तीन का क्यों लिख देंगे, आज सेम सेम प्लस प्लस है तो क्या करेंगे घटाना पड़ेगा। अब पावर तीन के लिए मैं बता चुका हूँ कि उसका जो पावर होता है उसका वैल्यू से गुना करते हैं, तीन का स्क्वायर तीन का तीन से गुना करने क्या हो जाएगा नौ हो जाएगा, तो तीन का क्यों क्या हो जाएगा सत्ताईस और घटावे नौ,
बराबर कितना हो गया 18 हो गया, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। अब ऐसा इतना जाने के बाद दोनों का आपसी गुना कर देना है, जो वैल्यू आया उसका गुना करना है, 7 और 18 का गुना करना है, 7 गुना 18। और घटाना क्या है, जो वैल्यू दिया है उसी को आपको घटा लेना है, जो वैल्यू आपको दिया हुआ है उसको क्या करना है घटाना, वैल्यू 3 के रूप में है तो 3 क्या करेंगे हम यहाँ से घटा लेंगे, तो 18 से 126 होता है और घटाए 3 तो 126 में से 3 घटाएंगे 123 हो जाएगा, आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। तो जब भी पावर 5 के रूप में दिया रहेगा तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं, यहाँ पर इसको बेटर से समझिएगा ताकि 5 वाला जो पावर होगा उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, तो पहले ही जो पावर है इसको हम लोग किस रूप में 2+3 के रूप में ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो वैल्यू 4 के रूप में है, तो 4 के रूप में जब वैल्यू आपको दिया हुआ है तो इसका पहले का पावर 2 यूज करेंगे, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर और प्लस प्लस है तो घटा देना पड़ेगा, और 2 का यूज किया ना तो 2 घटा देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और घट जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 आप ले सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया 2 का यूज हो गया। अब 3 का यूज करेंगे तो 4 के लिए यूज करेंगे, तो 4 का क्यू और प्लस प्लस है तो घट जाएगा, 4 का क्यू यूज हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, जब पावर 3 यूज कर रहे थे बताए पावर का गुना करते हैं वैल्यू से, 3 है तो 3 का 4 से गुना कर 3 चौका 12, तो ध्यान देने वाली बात है 3 चौका 12 तो 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है, और घटावे 12 तो कितना आ जाएगा आपका 64 में से 12 घटा देंगे तो 52 आ जाएगा, इसको समीकरण 2 ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू का क्या करना है, गुना कर देना, जो वैल्यू दिया होगा उसको घटा देना है, तो 14 गुना कर देंगे 52 से, 14 गुना कितना होगा 52, अब वैल्यू 4 है तो 4 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। अब 14 का 52 से गुना करते हैं, 14 गुना हो जाएगा 28, 2 बचेगा 14 25 70 और 2 हो जाएगा 72, आप घटाएंगे क्या आपका 4 होगा, तो 728 में से 4 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 724, तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। तो इस तरह से जब पावर 5 वाला दिया रहेगा ना तो आपको यूज करना है, कैसे, जो 5 पावर है उसको 2 और 3 के रूप में ब्रेक करेंगे, 2 का पहले के लिए यूज करेंगे और 2 घटा देंगे, आपका घटा इसलिए रहा है क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगा। आप फिर जो पावर 3 बच्चा है वो यूज करेंगे 4 के लिए, इसी वैल्यू के लिए यूज करेंगे, तो 4 का क्यू आप पावर का है, पावर का वैल्यू से गुना करते हैं, 4 का 3 से गुना करेंगे घटा देंगे, आंसर आएगा इनका आपसे गुना करके जो वैल्यू है उसको घटा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने देख लिया कि जब पावर 1 रहेगा, जब पावर 2 रहेगा, जब पावर 3 4 5 तक जब इस टाइप का वो क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करना समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई ट्रिक के साथ फिर मिलेंगे।